गुड मॉर्निंग। तो आज अभी सुबह का बज रहा है 10, तो इस टाइम से चालू कर रहे हैं ब्लॉग और अभी निकल रहे हैं हॉस्पिटल। हुआ कुछ ऐसा है कि रात में मंजीत भैया का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, तो पैर में कुछ दिक्कत है, तो उसी के लिए आज दिखाने के लिए आए हैं हॉस्पिटल। मंजीत भैया, क्या हुआ था रात को? एक्सीडेंट भयानक वाला। तो ठीक ठाक तो दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक दर्द है। अच्छा, पैर में प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है। मजा आया था एक्सीडेंट में? पीछे के बाद फिर कैसे गए घर? फोन किया था आपसे, को आया था लेने। अच्छा, आपसे को गाड़ी पर टांग के निकल हुआ सर। आ कहाँ बने बहादुरपुर अबे रे, जस्ट मुड़ावा ना। हाँ, बहादुरपुर कारी वाला। हाँ, जहाँ रास्ता खराब रहा बहादुरपुर कारी वाला मुड़ावा पर। अरे भाई, गेटवा के है ना? अच्छा, रास्ता खराब रहा। हाँ, बारिश हो रहा है तो चलो, उनका पैर में तो फ्रैक्चर नहीं है, बस थोड़ा सा मसल्स में चोट लगा हुआ है, ठीक हो जाएगा, दवाई दिवा दिए हैं। तब चलते हैं, थोड़ा सा घर पे चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। आज भी जाम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है बलिया में। करते करते कब टाइम बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, 1:30 बजने वाला है, अब निकलते हैं घर से। ये कैसी क्या निकाला गया है भाई, रुको देखते हैं फिर बताते हैं आपको। गुरु गोविंद जी के महाराज के पावन प्रकाश उत्सव पर लाख लाख बधाई। लियो बच्चा बैंड पार्टी। पावन प्रकाश उत्सव जो मनाया जा रहा है गुरु गोविंद जी का, ये देखे बाल्टी में पानी भर भर के, पानी मेरे ख्याल से लग रहा है पूरा रास्ता जो है धुल रहे हैं, साफ कर रहे हैं। पूरा जो है रोड धुल के पानी से, फिर उसको साफ करके, फिर उधर जो फूल भी गिराया जा रहा है, सब लेके आया जा रहा है। तो इस पद यात्रा में
मोहिनी जी जो महादेव पैलेस के हैं वो भी साथ में हैं, और साथ में जो है बहुत सारे लोग पदयात्रा में शामिल हुए हैं, जो प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, और साथ में इधर निखिल है। 3:30 हो गए, ऑफिस से भी निकले हैं, थोड़ा चलते हैं इस साइड में सतीश चंद कॉलेज की तरफ, एक काम है। तो चले आए सतीश चंद कॉलेज की तरफ से, फाइनली इतने दिनों के बाद अब जाके NH-31 का काम जो है चालू होने वाला है। आज उसका उद्घाटन कर रहे थे वहाँ पे मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, तो बस उधर ही गए थे, काम था, चले आए, घर पे आए। ये वाला चूरा चरांस को बहुत अच्छा लगता है। लो अच्छा है। अरे भाई इतना परेशान कर दे रहे हैं चूहा की सरांस का, जो है दूध रोटी बाहर ले जाकर रखना पड़ा उस रूम में, इसमें जाए पता नहीं कहाँ से ढुक जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी भैया सलांस भैया जो है सभी लोगों के साथ खेल लिए, और इनके सभी दोस्त मित्र अब जा रहे हैं अपने अपने घर पे, उनका घर वहाँ पे है, और सरांस भैया भी खाना खा लिए हैं। अब हम भी हम नहीं खाए, अभी तो बज रहा है 9:30 हो रहा है, अभी खाना नहीं खाए, चलते हैं खाना पीना सब खाया जाए। और सरांस भैया आप सोएंगे भी, अभी नहीं सोएंगे? हाँ इनको तो सोना नहीं है। तो अभी आपको हम दिखाएं वो कितना बड़ा है चूहा, देखो ये देखो, दिख रहा है बगाना बहुत बड़ा है। आज भाई देखो खाने में बना है मटर की कचौड़ी और मीठी चटनी और हरी चटनी प्याज। तो हो गया भैया खाना पीना, हो गया, रात के बज रहा है 10:30, लेट भी हो गया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।